जैसे कि आज हम आपको डायबिटीज़ की समस्या में ये दवा कब दिया जाता है, इस दवा का खाना कैसे होता है, ये दवा का डोज क्या होता है, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। इस दवा का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन मरीज को दिया जाता है। इस दवा में जो साल्ट होता है, मेटफॉर्मिन, हाइड्रोक्लोराइड और गिलमिप्राइड का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस दवा का उपयोग कब किया जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 की समस्या जिस व्यक्ति या जिस मरीज को रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। और इस दवा का उपयोग बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस दवा का उपयोग पैनक्रियाज से निकलने वाली इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। यह दवा डायबिटीज 2 वाले व्यक्ति या मरीज को यह दवा प्रेस्क्राइब किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करके भोजन में अवसर सिर ग्लूकोज की मात्रा कम करती है। इस तरह से इस दवा का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाता है, तो इसके कारण उस व्यक्ति या उस मरीज को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि किडनी से संबंधित समस्याएं मरीज को होने लगती हैं, आँखों से संबंधित समस्याएं मरीज को होने लगती हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, हाथ पैरों में आपने देखा होगा कहीं कट लग जाए या फिर किसी कारणवश घाव हो जाए तो वो घाव भी जल्दी नहीं भरता है, और भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं, इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया। जैसे कि आपको डिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नोजिया हो सकता है, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, आपको वीकनेस जैसा महसूस हो सकता है, और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और भी बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती हैं। अगर आपको ये सारी दिक्कत परेशानियाँ दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। चलिए अब हम आपको इस दवा के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर कोई मरीज होता है डायबिटिक से ग्रसित होता है, उस दवा का डोज डॉक्टर मरीज की स्थिति और उसके कंडीशन के हिसाब से दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं। कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से कभी भी ना लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क जरूर करें।